A very good afternoon to all my dear friends and students over here. जैसे कि आप जानते हैं हम लोग एग्जीबिशंस और फिल्म शोज करते हैं और टॉक्स करते हैं, ये एक बहाना हो जाता है अपने बड़ों को याद करने का. उनकी बर्थडेज जो होती हैं राइटर्स और पोएट्स और इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम आज तक पढ़ते चले आए हैं, जो हम शुरू से किताबों में पढ़ते चले आए हैं, उनको याद करते रहने से इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है. लाइब्रेरी ने एक ये नया सिलसिला शुरू किया है पिछले चंद महीनों से, खास तौर पे कहना चाहिए कि जो भी ऐसे बड़े लोग रहे उनको हम उनकी बर्थडेज पे याद करते हैं, उनकी किताबों की नुमाइश लगाते हैं और उन पे फिल्म शोज दिखाएंगे और टॉक्स करते रहे हैं. आपको मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होता है. अभी चंद महीनों पहले जो लाइब्रेरी ने कुछ नुमाइशें लगाई हैं उसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, खुशवंत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जावेद अख्तर, स्वामी विवेकानंद, कैफी आजमी, कमलेश्वर, हसरत मोहानी, जॉन एलिया जैसे इंटेलेक्चुअल्स और पोएट्स और राइटर्स पर किताबों की नुमाइश लगाई गई, उन पर फिल्म शोज हुए और टॉक्स भी हुई हैं. और अब हम जो याद कर रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी की मकबूलियत हिंदी जबान और अदब ही में नहीं, दीगर हिंदुस्तानी जबानों में भी मानी हुई है, सब जगह रिकॉग्निशन इनको मिला हुआ है. प्रेमचंद के बाद जिन कलमकारों ने हिंदुस्तान के दही इलाके की जिंदगी और मसाइल को क्रिएटिव तकनीकी शक्ल दी और उसमें इंसानी मुआशरे के सामने उसको पेश किया है, उनमें रेणु को गैर मामूली अहमियत हासिल है. आप सब इससे वाकिफ होंगे आई एम श्योर. उनके पैदाइश के दिन यौम विलादत पर यानी बर्थडे के मौके पर किताबों की नुमाइश लगाई गई. जैसे अभी आपने देखा है बाहर जिन किताबों की नुमाइश है उनमें रेणु की रचनावली कई वॉल्यूम्स में है और ठुमरी, मैला आंचल, अग्निखोर वगैरह अहम किताबें हैं. इसके अलावा अभी हम आपको उन पे कुछ फिल्म शो दिखा रहे हैं जिससे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सामने आएंगे, अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी. तो आइए फिर देखते हैं फणीश्वरनाथ रेणु पे एक डॉक्यूमेंट्री. वेलकम. सीमा पर बसा है फणीश्वरनाथ रेणु का काम. उन दिनों देश आजाद नहीं था, इसलिए रेणु के दिल में उस दौर के हर नौजवान की तरह हुकूमत को लेकर गुस्से की आग भड़क रही थी. उनके गांव ने इस आग में चिंगारी का काम किया. चलते हैं रेणु के इसी गांव में. आज की तरह उन दिनों भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी, इसलिए लोग रेणु को कहीं भी जाते थे और रहा करते थे. हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ उन दिनों माहौल गर्माने लगा था. दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने आजादी का बिगुल बजा दिया था. ठीक ऐसा ही गुस्सा नेपाल में भी था. वहां भी गोरे लोग राज परिवार की मदद कर रहे थे. दोनों देशों की सीमा पर बसे बिहार के पूर्णिया जिले में औराही हिंगना चल रहा शिलानाथ का परिवार बंगाल से आकर रहने लगा था. पूर्वज धान की खेती करते आए थे, इसलिए धानुक जाति से ताल्लुक रखते थे. धानुकों में दो उपजातियां होती हैं, एक तो विश्वास और दूसरे मंडल. विश्वास अपेक्षाकृत संपन्न हुआ करते थे और मंडल गरीब. शिलानाथ मंडल थे लेकिन उनकी पहचान संपन्न किसान की थी. इन्हें शिलानाथ के घर 4 मार्च 1921 को फणीचंद का जन्म हुआ. घर के लोग प्यार से फणेंद्र या फुरेसर कहा करते थे लेकिन दादी कहती थी रिनुआ. वजह ये थी कि रिनुआ के जन्म के समय परिवार को पहली बार ऋण लेना पड़ा था, तो जिसके जन्म के लिए ऋण लेना पड़े उसे तो रिनुआ ही कहेंगे ना. आगे जाकर रिनुआ से रेणु और फिर रेणु हो गया.
पिता कट्टर आर्य समाजी थे और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता। घर में ही क्रांतिकारी संस्कारों की नींव पड़ गई। प्राथमिक पढ़ाई के लिए रेणुआ को अररिया स्कूल में दाखिल कराया गया। नाम लिखवाया गया फणीश्वर नाथ मंडल। पिताजी के लिए हिंदी और बंगला की अनेक पत्र पत्रिकाएं आती थी और फनी सर आते ही उन्हें चाट लेते। उन दिनों अंग्रेज अपने विरोध में छपने वाली हर पत्रिका या साहित्य को जब्त करते थे और लिखने वालों पर जुर्म करते थे। ऐसी ही किताबें थी भारत में अंग्रेजी राज और चांद पत्रिका का फांसी अंक। और अब हम आपको दिखाते हैं वो ऐतिहासिक फांसी अंक। इस अंक ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। गोली हुकूमत ने इसे जब्त कर लिया था। 1928 यानी करीब 85 साल पहले छपे इस अंक में सरदार भगत सिंह समेत अनेक क्रांतिकारियों ने लेख लिखे थे। जहां भी ये अंक मिलता था उसे जला दिया जाता था, जिसके पास मिलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। अंग्रेज ये समझते थे कि उन्होंने सारी प्रतियां नष्ट कर दी हैं, लेकिन कुछ प्रतियां बच गई थी। आजादी के करीब 41 साल बाद ये फांसी अंक फिर छपा। हम आपको दिखाते हैं इस फांसी अंक के कुछ पन्ने। तो हम आपको बता रहे थे कि इसी अंक की तलाश में गोरे सिपाही फनीसर के घर जा घूमे। उन्हें खबर थी कि शिलानाथ मंडल के पास ये सारे ग्रंथ हैं। एक देसी दरोगा आया, पिताजी से टपट कर कहा, आपके पास फांसी अंक है, हमें तलाशी लेनी है। पिताजी ने भी तमक कर उत्तर दिया, फांसी अंक भी क्यों, हिंदू पंच का बलिदान और भारत में अंग्रेजी राज भी मेरे पास है, लेकिन इस समय नहीं, कोई रिश्तेदार पढ़ने को ले गए हैं, आप बेशक तलाशी ले लें। रेणु ने आगे जाकर इस संस्मरण को कुछ इस तरह याद किया, मुझे समझते देर न लगी कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मैंने उन्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा था। मुझे पता था कि ये सभी पवित्र ग्रंथ उनके सिरहाने रखे हैं। मैं वहां से खिसका, किताबें चुपचाप उठाई, स्कूल के बस्ते में डाली, छाता लगाया और बगल में दबाकर घर से निकलने लगा। देसी दरोगा ने पूछा, अरे बाबू और बगलिया में का बाबो? मैंने उत्तर दिया, सिमराहा जा रहा हूं, फारबिसगंज की गाड़ी पकड़ना है, स्कूल का टाइम है। दरोगा ने जाने दिया। शाम को वापस आया तो घर के लोग मेरी चालाकी पर दंग थे। यही नहीं, स्कूल में रेणु ने वानर सेना की शाखा का भी गठन किया था। ये वानर सेना अपने ढंग से क्रांतिकारियों की मदद करती थी और उसकी संस्थापक थी इंदिरा गांधी। रेणु तब अररिया स्कूल में पढ़ते थे। गांधी जी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में बाजार बंद थे, दूसरे दिन स्कूल बंद रखा गया। उन दिनों रेणु खादी पहनते थे और हड़ताल के उत्साह में स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर को ही स्कूल जाने से रोक दिया। फिर क्या था, अगले दिन सभी छात्रों को आठाने का जुर्माना करना पड़ा और रेणु को सबके सामने 10 पैसों की सजा। सारा स्कूल इकट्ठा, कस्बे के लोग स्कूल में आ गए। पहला बैंड पड़ा, रेणु ने नारा लगाया, वंदे मातरम। दूसरा बैंड पड़ा, रेणु ने नारा लगाया, महात्मा गांधी की जय। तीसरा बैंड पड़ा, रेणु ने फिर नारा लगाया, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद।
हर नारे पर भीड़ ही उत्तर दे रही थी। नारे तेज होते गए और 10 बैंक पूरे होने से पहले ही हेडमास्टर ने अपना फरमान वापस ले लिया और भीड़ रेणु को कंधों पर उठाकर चल दी। सारे दिन कस्बे में जुलूस निकलता रहा। अगले दिन उन्हें अन्य छात्रों के साथ 14 दिनों के लिए पूर्णिया जेल में डाल दिया गया। और जानते हैं जेल में पूरी वानर सेना ने अपना ब्यौरा किस तरह दिया? पूछा गया, नाम, उत्तर जवाहरलाल, बाप का नाम, उत्तर मोतीलाल, पता बताओ, उत्तर आनंद भवन इलाहाबाद। रेणु की ये पहली जेल यात्रा थी। सजा काट कर आए तो स्कूल से निकाल दिया गया। रेणु ने आगे की पढ़ाई के लिए सिमरबनी के स्कूल में एडमिशन लिया। ये स्कूल पंडित रामदेवी तिवारी ने शुरू किया था। वो पहले और आखिरी गुरु थे जिनका रेणु पर सारी उम्र असर बना रहा। पहला गुरु ऐसा ही होता है। ऐसे ही स्कूल में रेणु के अंदर अभिनय और लेखन के बीज अंकुरित हुए। गुरुजी नाटक लिखते और रेणु उनमें अभिनय करते। कभी कृष्ण बनते तो कभी अभिमन्यु। एक बार तो अभिमन्यु की पत्नी भी बन बैठे। गुरुजी ने कविता के संस्कार भी डाले। साथियों के साथ मिलकर एक हस्तलिखित पत्रिका खंगार सेवक शुरू की। दरअसल परिवार के पूर्वज कूर्मवंशी क्षत्रिय थे और खेती करते थे। उन्हें खंगार क्षत्रिय भी कहा करते थे। रेणु इस पूरी पत्रिका को हाथ से लिखते और उसके चित्र भी बनाते। उन दिनों वो नवी कक्षा के छात्र थे और तिवारी जी का स्कूल छोड़कर फारबिसगंज के ली एकेडमी स्कूल में पढ़ रहे थे। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने जीवन की पहली कहानी लिखी, परीक्षा। इस कहानी में एक छात्र दिन रात पढ़ता है और फेल हो जाता है। छात्र की नाकामी का इतना मार्मिक विवरण था कि सुनने वाले रोने लगते थे। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें नेपाल के विराट नगर आना पड़ा। वहां आदर्श विद्यालय में एडमिशन लिया। ये स्कूल नेपाल के गांधी कृष्ण प्रसाद कोइराला चलाते थे। उम्र के इस पड़ाव पर रेणु के भीतर राजनीतिक विचारों का झरना फूटा। 1937 में वो बनारस गए और 3 साल वहां रहे। बनारस से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। यह शहर उन दिनों समाजवादी और वामपंथी आंदोलन का बड़ा केंद्र था। रेणु छात्रों में लोकप्रिय हो गए थे। वो स्टूडेंट फेडरेशन के सचिव थे और इसी दौरान उन्होंने अवाम नाम से एक लंबी कविता लिखी। ये कविता इतनी मशहूर थी कि यूनिवर्सिटी का हर छात्र गुनगुनाता था। लोकप्रियता का आलम यह है कि वामपंथी समूह अपने साथ जोड़ना चाहता तो समाजवादी खेमा अपने से अलग नहीं मानता था और फॉरवर्ड ब्लॉक ने तो उन पर हक जमाना शुरू कर दिया था। नतीजा ये कि रेणु तीनों संगठनों के सदस्य बन गए। लेकिन अगले 4-5 साल में रेणु इस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊब गए। 1945 में उन्होंने कहानी लिखी, पार्टी का भूत। इसमें सभी पार्टियों से उनकी उकताहट का ब्यौरा है। लेकिन इससे पहले 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो कूद पड़े थे। उनका गुट आजाद दस्ता कहलाता था। इस गुट ने सरकारी सेना से हथियार और गोला बारूद लूटे, रेलवे की पटरियां उखाड़ी और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। एक बार पुलिस ने रेणु की तलाश में गांव में घेराबंदी की। रेणु ने एक नई दुल्हन वाली लाल साड़ी पहनी, पूरा दुल्हन का श्रृंगार किया और घूंघट डालकर एक बैलगाड़ी में बैठ गई। गांव के कुछ नौजवान विदा कराने आए ससुराल वाले बन गए। पुलिस ने घूंघट उठाकर देखा लेकिन वो रेणु को पहचान ना पाए और
रेणु चंपत हो गई। इसी साल सितंबर में पुलिस ने रेणु को उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया। क्रांतिकारियों का नाम और ठिकाना जानने के लिए रेणु को गिराकर उनकी छाती पर कील वाले बूटों से कुचला गया। पिटाई से उनकी नाक, मुंह और कान से खून बहने लगा, लेकिन रेणु ने मुंह ना खोला। हारकर पुलिस वालों ने दोनों हाथों में रस्सी बांधी और 20 किलोमीटर तक घोड़े के पीछे बांधकर रास्ते पर घसीटते अररिया तक ले गए। मरणासन्न हालत में उन्हें 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लतिका राय चौधरी नाम की नर्स बाद में उनकी जिंदगी में भी दाखिल हो गई, लेकिन ये कहानी थोड़ा हम आपको आगे बताएंगे। अभी तो ये जानना जरूरी है कि 1944 में वो जेल से छूटे और सक्रिय लेखन शुरू कर दिया। भारतीय कथा साहित्य को रिपोर्टाज की विधा नए रूप में इसी दौरान मिली। उनके दो रिपोर्टाज जय गंगा और डायन कोसी बड़े दुर्लभ है। जय गंगा 7 नवंबर 1948 को साप्ताहिक जनता में छपा। गंगा में बाढ़ और पीड़ितों को सरकारी मदद की पोल खोलता यह रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। 1960 मोहन राकेश के संपादन में 5 लंबी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें रेणु की नायाब कहानी मारे गए गुलफाम छपी। ये वही कहानी है जिस पर एक ऐसी अद्भुत फिल्म बनी जो आज भी हिंदुस्तान के आंचलिक परिवेश पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। जानते हैं यह कौन सी फिल्म है? जी, आप ठीक सोच रहे हैं, ये फिल्म है तीसरी कसम। फिल्म की कहानी और संवाद खुद रेणु ने ही लिखे थे। फिल्म इंडस्ट्री का ये एक अनोखा उदाहरण है। बिना किसी ट्रेनिंग के जो डायलॉग रेणु ने रचे उनका आज भी कोई जोर नहीं है। सुनते हैं तीसरी कसम के कुछ डायलॉग। आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनवा नटुआ जैसे दिखता है। छोकरे ही लड़की वहां हुआ करते थे। इस मुल्क के लोगों में बस यही बात पहुंचता है। राज चलते सौ जिला करें, कहाँ जा रहे हो, कौन गांव है, कहाँ से आए हो, गाड़ी में कौन बैठा है, अरे तुमको जहाँ जाना है जाओ। यहाँ कुछ दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। तीसरे कसम के चक्कर में रेणु का मन रेडियो की नौकरी से उबरने लगा। उन्होंने आकाशवाणी छोड़ दी। जब तीसरी कसम बनकर तैयार हुई तो उन पर 500 रुपए का कर्ज था और शैलेंद्र के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। मगर कहानी के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। हुआ ये कि राज कपूर उन दिनों बड़े शोमैन बन चुके थे। उन्होंने शैलेंद्र से कहा, फिल्म का अंत दुखद है, इसे बदल दो और नायक नायिका को मिला दो।
शैलेंद्र ने कहा, अगर मुझे बम्बैया फिल्म बनानी होती तो तीसरी कसम की कहानी क्यों लेता। राज कपूर बेहद खफा हुए और रेणु को बुलाया गया। कहा गया, अंत बदल दो। रेणु ने वहां मौजूद लोगों की जमकर खबर ली और तब्दीली से साफ इनकार कर दिया। राज कपूर के वितरकों ने फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। अपनी जगह के तुमने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दूला बना। ये थोड़ी सी देर में आप लोगों को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई इस मशहूर ऑथर के बारे में। शायद काफी कुछ पढ़ना पड़ता हम लोगों को तब इतना जाके पता चलता। तो आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दैट यू टुक आउट द टाइम टू सी दिस मूवी एंड द एग्जीबिशंस ऑफ द बुक दैट हैव बीन डिस्प्लेड ओवर देयर इन द लाइब्रेरी। और इस तरह से हम लोग ये अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते चलेंगे और इसे एक मोनोटोनी भी टूटती है। आप लोग कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं 12-12, 14-14 घंटे, कभी 16 घंटे। तो ये मोनोटोनस लाइफ के लिए ये भी जरूरी है कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग देखते रहें। कुछ ऑयलिंग ऑफ द माइंड होता रहता है, ऑयलिंग ऑफ द माइंड एंड सोल बहुत जरूरी है। म्यूजिक से भी होता है और फिल्म से भी होता है और अच्छी किताबों के पढ़ने से भी होता है। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल।